हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के वीडियो में बात करूंगा स्किन साइन क्रीम के बारे में और एलोसन एचटी क्रीम के बारे में। दोनों क्रीमों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। कई के बारे में नई बात करने वाला हूं इस वीडियो में बताऊंगा इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कई डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा ये हमारी स्किन के लिए काफी हद तक यूजफुल है या नहीं है। इन क्रीमों का अंदर हमें ऐसा क्या यूज करें जिस प्रकार हमारे स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और हमारे स्किन पर यूज करने के बाद किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो। हम इन क्रीम को यूज करने के बाद इस क्रीम को किस तरह से छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको रेगुलर टाइम तक लगा रहे हैं, स्किन पर साइड इफेक्ट्स हो चुका है, उस साइड इफेक्ट्स को किस तरह से खत्म करें वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो में बना रहोगे तो आपकी स्किन के लिए काफी तक हेल्पफुल होगा, आपकी स्किन के लिए कई नई बात आपको जानने की मिलेगी। एलोसन या स्किन साइन क्रीम आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए काफी तक हेल्प मिलेगी उनको छोड़ने के लिए या फिर उनके साइड इफेक्ट हो चुके हैं तो या फिर इसको यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी कई जानकारी आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो गाइस, सभी के टाइम में हम ऐसे कई क्रीमें यूज करने की सोचते हैं जिसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं हो जो हमारी स्किन के लिए काफी तक हेल्प करता हो, स्किन को कोई नुकसान ना बनाता हो या फिर हमारी स्किन पर किसी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं करता। देखो गाइस, चाहे कौन सी भी कंपनी हो, कौन से भी ब्रांड हो, हर एक प्रोडक्ट यही चाहता है कि आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन कई ऐसे कंपनियां होती है जिसके अंदर कई तरह का हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं, कई क्रीमें होती है जिसके अंदर कई तरह के केमिकल या कई तरह का हार्मफुल केमिकल यूज किए होते हैं जो हमारी स्किन पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स दिखा देती है या फिर हमारी स्किन पर कई तरह के नुकसान होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि उसके अंदर कई ऐसे केमिकल यूज किया होता है जो स्किन को रेडनेस, स्किन को सेंसिटिव या फिर स्किन को कई तरह का रेडनेस बना देता है। देखो गाइस, अभी के टाइम में आपको मिलेगा जिसके अंदर भी ऐसा कोई मिलावट नहीं आती हो, हर एक फूड के अंदर आपको अभी के टाइम में मिलावट मिलेगी। तो इसी प्रकार अभी के टाइम में ऐसी कोई क्रीम नहीं मिलती जिसके अंदर कोई ऐसा केमिकल यूज ना हो जो हमारी स्किन को नुकसान देता हो। तो वो हमारी स्किन के डिपेंड करता है कि हमारी स्किन किस टाइप की है। देखो गाइस, क्या होता है, हम जब कोई क्रीम यूज करते हैं तो कई बार किसी स्किन पर वो सूट कर जाती है और कई बार किसी स्किन पर वो सूट नहीं करती है। देखो क्या होता है, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन ऑयली होती है, कई तरह के कॉम्बिनेशन वाली स्किन होती है जिस प्रकार हम कई तरह के क्रीम यूज करते हैं तो हमारी स्किन पर कई तरह के साइड इफेक्ट या कई तरह के नुकसान होती है, स्किन होती है उसके ऊपर सूट कर जाती है, ये भी बात होती है। हर इंसान का स्किन टाइप बिल्कुल एक जैसा और सेम जैसा बिल्कुल नहीं होता, कई बार किसी पर सूट करती है तो कई बार किसी पर सूट नहीं करती। तो इसी के बाद बात करता हूँ स्किन साइन और एलोसन एचटी क्रीम के बारे में। तो यह हमारी स्किन का कई तरह के फायदेमंद पहुंचाने के साथ साथ ये हमारी स्किन पर कई तरह के नुकसान भी देता है, लेकिन इसके फायदे के बारे में बात करता हूँ स्किन साइन एलोसन एचटी क्रीम के बारे में। तो देखो गाइस, ये हमारी स्किन पर मार्केट में आने वाली एक ऐसी क्रीम है जो हमारी स्किन को कई तरह के सुंदर बनाने से, स्किन को कई तरह के गोरा बनाने में काफी हद तक हेल्प करती है। चाहे स्किन पर कितनी भी प्रॉब्लम हो या फिर स्किन पर कितने भी डार्क स्पॉट हो, स्किन पर कितने भी पिगमेंटेशन हो या फिर स्किन पर कई तरह की कई प्रॉब्लम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी प्रॉब्लम हो, यह हमारी स्किन को किसी प्रकार हर तरह से छुटकारा पाने में काफी तक हेल्प करती है। आपके मन में डाउट हो यह हमारी स्किन के अंदर ये इतना अच्छा खासा रिजल्ट क्यों दिखाती है, देखो गाइस इनके इंग्रेडिएंट्स पे ही डिपेंड करता है कि हमारी स्किन पर किस तरह से रिजल्ट दिखाता है। तो इन दोनों के अंदर वह हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोन मोमेंटासोन जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज कर गए जो कि हाई लेवल में यूज कर और दोनों के अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए गए जो कि हमारे स्किन को कई तरह के फायदे में पहुंचाने में फायदेमंद करता है। चाहे स्किन पर किसी प्रकार कौन सा भी, चाहे हमारे स्किन पर कौन सा भी प्रॉब्लम हो, जैसे स्किन पिगमेंटेशन या स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम हो, वो हमारे स्किन को अच्छे तरह से ग्लो है, हमारे स्किन को लाइटनिंग ही बनाती है, वो हमारे स्किन को कम से कम 5 या 6 दिन में स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब आपके मन में डाउट है इसके अंदर इंग्रेडिएंट जैसा कौन सा है जो हमारे स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखा, तो देखो इसके अंदर यूज किया गया वो है हाइड्रोक्विनोन जो एक स्टेरॉइड है जो हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाता है और स्किन को बहुत जल्दी गोरा बनाता है। ये जिस क्रीम में भी यूज होता है वो हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाने के बाद हमारी स्किन को अच्छा खासा गोरा बनाता है और हमारी स्किन को अच्छे तरह से महफूज रखता है जब तक हम उसको यूज करते हैं। देखो गाइस, इन क्रीमों को हम जब तक यूज करते हैं, जब तक डॉक्टर की सलाह देता है, हम इसको ज्यादातर रेगुलर टाइम तक यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड यूज हुआ है। स्टेरॉइड हमारी स्किन पर कई तरह के नुकसान दे सकता है, स्किन रेडनेस या स्किन को सेंसिटिव बना सकता है, स्किन पर कई तरह के नुकसान के साथ साथ हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब बना सकता है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, आपने देखा होगा कई तरह के स्किन पर रेडनेस आ जाती है और स्किन पर इतनी ज्यादा रेडनेस आ जाती है, आप उनको कौन सी भी क्रीम से हटाने की कोशिश करो वो रेडनेस हमारी स्किन पर बिल्कुल भी हटती नहीं है क्योंकि वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खराब बना देती है, स्किन को जला देती है। देखो गाइस, एलोसन एचटी क्रीम में भी यही बात है, एलोसन एचटी क्रीम भी हमारी स्किन पर इस तरह से ही नुकसान देती है। एलोसन एचटी क्रीम हाइड्रोक्विनोन यूज कर जो हाई लेवल में यूज कर 2% में, इन दोनों क्रीमों में हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोन मोमेंटासोन जैसे ये इंग्रेडिएंट्स यूज करके जो हमारी स्किन को इस तरह से नुकसान दे सकती है।
अगर आप रेगुलर टाइम तक दोनों क्रीम यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा जब तक आप इसको यूज कर रहे हो आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, स्किन को अच्छे से ग्लो बना रहा होगा, स्किन को अच्छे तरह से फेयर बना रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे 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 आपने 3 महीने 4 महीने यूज करते जा रहे हो, जैसे जैसे आपकी स्किन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अब आप सोचते हो उस प्रॉब्लम को हम पता कैसे लगाएं, हमारी स्किन पर किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो क्या होता है, जब आप इसको रेगुलर टाइम तक यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा जब आप धूप में जाते हो तो आपकी स्किन पर जलन जलन जैसे होना स्टार्ट हो चुका होगा, जैसे कि धीरे धीरे पिंपल्स आने, छोटे छोटे पिंपल जैसे दाना टाइप में आते, तो समझ लो ये आपकी स्किन पर रेडनेस या स्किन को सेंसिटिव या फिर स्किन पर साइड इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर चुका है। अगर आप उसी टाइम आप धीरे धीरे अगर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम अगर आप डॉक्टर की सलाह लेकर इस क्रीम को स्टॉप करते हो तो आपकी स्किन के लिए काफी तक बेनिफिट वाली बात होगी, स्किन पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, स्किन पर किसी पर कोई साइड इफेक्ट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि जब ऐसी क्रीम आती है तो इनको हमारे को लगाने के लिए डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं। देखो ऐसे इनको डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं कि आपकी स्किन पर तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन क्रीमों से यूज करने के बाद आपकी स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन गाइस आप क्या करते हो, आप इसको रेगुलर टाइम तक यूज करना स्टार्ट कर देते हो, जो आपकी स्किन पर कई तरह के नुकसान दे सकता है और स्किन पर साइड इफेक्ट दे सकता है। देखो गाइस एक बात आपको मैं भी बता देता हूँ, डॉक्टर आपको जबकि बताते हैं कि इन क्रीमों को यूज करने से पहले आपको एक सनस्क्रीन भी यूज कर लेना चाहिए जिस प्रकार आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हाइड्रोक्विनोन पे ट्रेटिन जो स्टेरॉइड होता है ना, ये हमारी स्किन पर इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज करें जो स्टेरॉइड, ये हमारी स्किन पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स दिखा सकते हैं, लेकिन इनको रोकने का भी एक तरीका होता है। अगर आप इसको रेगुलर टाइम तक सनस्क्रीन यूज करते हो, अगर आप धूप में निकलते हो या फिर आपकी स्किन पर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सनस्क्रीन आपकी क्या करते हैं, यूवीए यूएवी जो किरण होती है आपकी स्किन को जो नुकसान देती है उनको अच्छे तरह से संपर्क में बिल्कुल स्किन पर नहीं आने देती है और सनस्क्रीन हमारी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस प्रकार हमारी स्किन पर ना तो रेडनेस और ना स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है। देखो इस अगर आप इस क्रीमों को यूज कर रहे हो तभी स्किन पर सेंसिटिव या स्किन पर कोई प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट हो चुका है तो उन क्रीमों को तभी बंद कर दो, उसके बाद रेगुलर टाइम तक सनस्क्रीन यूज करो। सनस्क्रीन आपकी स्किन को मेंटेन रखेगा, स्किन पर कोई प्रॉब्लम और स्किन पर किसी पर कोई नुकसान नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको मैं बताता हूँ, आप सोचते हो कि हमारी स्किन को स्टॉप करने के बाद हमारी स्किन रेडनेस या फिर हमारी स्किन बिल्कुल जलन जैसी होती है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्किन जल रही है, आप कौन सा भी प्रोडक्ट यूज करते हो, देखो आप नाइट में सोते में एक वेसलीन आती है, वो आप नाइट में सोते समय यूज कर लो पूरी स्किन पे, चाहे आपकी रेडनेस या पूरी स्किन पे आप यूज कर लो। रियल बता रहा हूँ, आपकी स्किन की जो जलन है ना गाइस वो सुबह तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन पर जलन जैसा बिल्कुल भी फिर नहीं होगा। अगर आप धूप में जाते हो तो आपकी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो एक अच्छा सा डॉक्टर की सलाह लो, जो आपकी स्किन डर्मेटोलॉजी हो, जो आपकी इसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सके और आपकी आपके लिए अच्छे खासा सलाह दे सके, ठीक है ना। आपकी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन बनाने के लिए कोई ऐसा क्रीम यूज करो जो आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती हो। देखो अगर मैं आपको कई तरह के सजेस्ट करता हूँ क्रीमों के बारे में तो कोजिटिन नाम से क्रीम आती है, कोजी लाइट क्रीम आती है, जो कोजिकेयर बाय आर्गोटिन वाली क्रीम आती है, जो एक सीरम या फेस वॉश या फिर एक क्रीम आती है, ये हमारी स्किन को रिजल्ट नहीं देता। स्किन डॉक्टर है तो वो भी आपको अच्छा खासा एक ऐसी क्रीम बता देंगे जो आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट हो चुका उस साइड इफेक्ट को किस तरह से खत्म करना है, तो देखो सबसे पहली बात तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो एक स्किन डॉक्टर हो। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन पर रेगुलर टाइम तक अगर ये रेडनेस बनी रही है या फिर स्किन जलन हो रही है तो आप रेगुलर टाइम एक ऐसे सनस्क्रीन यूज करो जो SPF 50 हो, जो आपकी स्किन को अच्छे तरह से मेंटेन रखेगी और आपकी स्किन के लिए काफी तक फायदेमंद होगी। देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो इनका साइड इफेक्ट हो चुका है वो एकदम आपकी स्किन पर बिल्कुल खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे टाइम तक धीरे धीरे आपकी स्किन पर खत्म होगा। अगर आप इन क्रीम को यूज कर रहे हो, स्किन बिल्कुल फेयर हो चुकी है, स्किन गोरा हो चुकी है और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन गाइस देखो आपको इनको कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन पर कभी ना कभी ज्यादा साइड इफेक्ट हो चुका है तो स्किन पर कई तरह के नुकसान दे सकता है। जो गाइस आज की वीडियो मेरा ये मकसद था कि मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे सकूं कि आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। देखो ये जो क्रीम होती है आपकी स्किन पर आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी, इसलिए मैं आपको अभी ही सतर्क करूंगा, आपकी स्किन के लिए काफी तक सेफ होगा अगर आप इनको अभी भी स्टॉप करोगे। तो बस आज के वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।